दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ रहे आंकड़ों के बीच ऑफलाइन एग्जाम्स पर सवाल खड़े हो गए हैं। नीट और JEE के एग्जाम्स पर प्रोटेस्ट के बाद अब दिल्ली में IP यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में उतर आए हैं। दिल्ली की IP यूनिवर्सिटी में 21 सितंबर से फाइनल ईयर एग्जाम्स होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तमाम कोर्सेज के स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के जरिए यूनिवर्सिटी से गुहार लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए केवल ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी रेगुलर एग्जाम कराना चाह रही है। ऐसे में जहां एक तरफ दिल्ली में रोजाना कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस हालात में एग्जाम सेंटर्स में हजारों बच्चों का आना खतरे को और बढ़ा देगा। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम्स की मांग कर रहे हैं। ट्वीट्स के जरिए दिल्ली सरकार से भी गुहार लगाई जा रही है। सुनिए क्या कहना है इन स्टूडेंट्स का। दिल्ली में ऐसे टाइम पर जब कोरोना अपनी पीक पर है, आई फील टू अंडरस्टैंड कि जब मई 2020 में ऑफिशियल नोटिस आ चुका था कि इफ द सिचुएशन डज नॉट गेट बेटर इन दिल्ली देन ऑनलाइन एग्जामिनेशंस विल टेक प्लेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी बाकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने जब ये डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पर, देन व्हाई कांट IP यूनिवर्सिटी डू दिस। मोर देन 4000 केसेस एवरी डे रिपोर्ट हो रहे हैं ना, इस सरकमस्टांसिस में हमको ऑफलाइन कॉलेजेस जाके एग्जाम देना बिल्कुल भी फीजिबल नहीं लगता है। ये हमारी लाइफ और हमारी फैमिली की लाइफ के लिए बहुत थ्रेटनिंग है और हम स्टूडेंट इससे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने पहले ऑनलाइन एग्जाम के लिए बोला था, पर बाद में अचानक से फैसला बदल लिया। समस्या ये भी है कि कई स्टूडेंट्स इस वक्त दिल्ली के बाहर हैं, ऐसे में कोरोना के इस दौर में अचानक से दिल्ली आना और रुकने का इंतजाम करना आसान नहीं होगा। बच्चे इतने मेंटल प्रेशर में, उनको समझ नहीं आ रहा वो एग्जाम्स पे फोकस करे या फिर वो अपने परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए सोचे। एग्ज़ाम का टाइम 7:30 बजे का रिपोर्टिंग है और 7:30 बजे कन्वेंस भी नहीं मिलता, तो आप बताइए कि हम बच्चे पहुँचे कैसे। हमारी यूनिवर्सिटी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ले। जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ले सकती है तो क्यों ऑफलाइन? प्लीज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। मेरे कई दोस्त हैं जो अभी इस शहर से बाहर हैं और उनको वापस आने में काफ़ी दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं, साथ साथ वो खुद रिस्क में भी हैं, तो मुझे नहीं पता JEE इस डिसीजन के साथ क्या कर रही है। सबसे बड़ा खतरा इस बात को लेकर है कि दिल्ली में रोजाना 4000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या बीमार बच्चे एग्जाम छोड़ेंगे? कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके घर में कोई बीमार होगा, लेकिन साल खराब होने के डर से हो सकता है वो स्टूडेंट्स इस बात को छिपाकर परीक्षा में शामिल हो जाएं। 5 दिन में लोगों के 5 एग्जाम्स भी हैं, टाइमिंग 8:30 की है, आने जाने में मुश्किल है और टाइम बिल्कुल नहीं है पहुंचने का, प्रिपरेशन का टाइम नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। कॉलेजेस हमारे बहुत दूर हैं, पहुंचने में टाइम लगता है और उनको लगता है कि हम हर रोज़ एक ही टाइम पे पहुंच जाएंगे। प्लस हमारे जो है कोरोना पॉजिटिव्स है बहुत स्टूडेंट्स के घर में, पर हमें आइडिया नहीं है। और ऑफकोर्स वो अपनी डिग्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके हमारे यहाँ आएंगे और स्टिल भी पेपर देंगे, झूठ बोल के भी चाहे उन्हें देना पड़े, क्योंकि हमारे करियर के सवाल है एक्चुअली में। IP यूनिवर्सिटी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि फाइनल ईयर के छात्रों के लिए परीक्षाएं कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कई परीक्षा केंद्रों पर पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा केंद्र केवल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में स्थित होंगे और दिल्ली NCR में स्थित होंगे। परीक्षा आयोजित करने का निर्णय यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी यूनिवर्सिटीज को UGC के दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया था। नोटिस में अंत में ये कहा गया है, परीक्षाएं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, UGC के सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य दिशा निर्देशों के मानदंडों का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।